मेरी बात सुनो भाई, मेरे बो हॉस्पिटल में मुझे बहुत देर हो रही है। वक्त क्यों जाया कर रही हो? सारा जेवर हमारे हवाले कर दो। तुम तो गांव में नहीं थे? हाँ, वो एक घंटा पहले ही आया हूँ, इमरजेंसी थी ना यहाँ। देखो, अगर आना ही था तो किसी को साथ लेकर आती। क्या सोचेंगे तुम्हारे ससुराल वाले? वो मेरे लिए आपसे ज्यादा अहम कुछ नहीं है। नहीं बेटा, अब तुम्हारे लिए तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा ससुराल है। अबू, फरीशा जब हॉस्पिटल आ रही थी तो क्या? कुछ नहीं अबू, वो आपको तो पता है आजकल स्ट्रीट क्राइम्स कितने ज्यादा हो चुके हैं, तो मेरी ज्वेलरी। क्या? कुछ नहीं होता अबू, फिर बन जाएगी। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है तुम सलामत हो। मेरे लिए तो यही काफी है। शाहजमान की कॉल। हेलो। हाँ तुम यार, मैंने पूरा हॉस्पिटल देख लिया। वो मैं और फरीहा तो अबू को घर ले आए थे। यार मुझे बता तो देती, मैं खामखा यहाँ खबर हो रहा हूँ। सॉरी, वो जल्दी में याद ही नहीं रहा। ओके, मैं आता हूँ। ओके, वो शाहजमान आ रहे हैं। चाय पी लो। चक्कर आ रहे हैं पता नहीं क्यों। सारी रात जागती रही है, चक्कर तो आएंगे ना। बच्चा भी हरकत नहीं कर रहा, पता नहीं बहुत डर लग रहा है मुझे। बेटा कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब ठीक होगा। मारिया, सुबह दाऊद मिला था मुझे। वो क्या करने आया था यहाँ पर? वो यहाँ पर किसी मॉडल को शूटिंग के लिए लेने आया था। तुम्हारा कह रहा था क्या था, एक्टर बन जाती, सूखी रोटी तो खाती, इज्जत से जीती। इस जमाने में जीना जरूरी है, बस इज्जत हो ना हो जरूरी नहीं है। और भी बहुत सी बातें कर रहा था। और आपने सोचा होगा कि कह तो ठीक रहा है। बेटा सोच तो आती है ना, कितना चाहता है तुम्हें। उस वक्त भी कहता था मुझसे शादी कर लो, रानी बना के रखूंगा। ये बात तो उसने भी की थी। पूरी तो नहीं की ना उसने। सब मर्द ऐसे ही होते हैं। जो कहते हैं वो करते नहीं है। पता नहीं वो कौन से मर्द होते हैं जो अपनी बीवियों को बहुत प्यार करते हैं। थोड़ा सा ये एक रस और चाय ले लो।
तुम्हारी माँ की ज्वेलरी है, फिलहाल इसे पहन लो, बाद में नहीं बनवा लेंगे। ये क्या कह रहे हैं अबू आप, इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी आपने ये फलीहा के लिए रखी है, उसी के लिए रहने दे। ठीक है बेटा, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता। अस्सलाम अबू। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ बेटा। बेटा वो बहू सारा जेवर पहन के गई है, मुझे फिक्र हो रही है, उसका ख्याल रखना, खुदा न खास्ता कुछ। ये क्या गुलिया बनाया हुआ, ज्वेलरी कहाँ गई तुम्हारी? वो रात को। अल्लाह का शुक्र है बेटा, मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ, वरना उन लुटेरों का क्या जाता। साले घटिया कमीने, हमारे नसीब का माल ले गए। और बन जाएगी बेटा, परेशान ना हो। फरीशा वैसे मैं नाराज हूं तुमसे। क्यों, मुझसे क्यों नाराज है? तुमने मुझे बताया ही नहीं अब्बू की तबीयत खराब है। वो आप ऑलरेडी अपने दोस्त के साथ बिजी थे हॉस्पिटल में, मुझे लगा मज़ीद परेशान मत करूं। I don't believe this. वो मेरा दोस्त है और ये अब्बू है मेरे, मेरी फैमिली है। जी तेरो बेटा, बस ये तो है ही ऐसी, मुझे डांटने के लिए मेरी माँ बन जाती है, लेकिन अपना दुख किसी से शेयर नहीं करती। अब्बू मैं कोई गैर नहीं हूँ, मैं इस घर का बेटा हूँ, इसकी जिंदगी का साथी, शोहर। हमारी जिंदगी के दुख सुख अब एक है, ये समझना चाहिए ना इसको। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है, अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दी है। बस अल्लाह से यही मांगा है कि अगर हमारा रिश्ता जोड़ा है तो खुशियों को सलामत रखना। देखो उन्हें भी फिक्र थी, सारी रात जागते रहे सब इसी परेशानी में। जानती हूँ, कल जब मैं जा रही थी तब भी आवाज देकर उन्होंने जेवर का ही कहा था। हमारी जिंदगी के दुख सुख अब एक है, ये समझना चाहिए ना इसको। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। मेरा क्लाइंट बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसको पूरा हक है कि वो अपने गुस्से और दुख का इजहार करे। सुन लिया, पहले दिन शिकवा आ गई। सॉरी। कहते हैं कि इट्स ओके। कोई जोर जबरदस्ती है क्या? इट्स ओके। चलिए बेटा, जरीना सको जाके नाश्ता बना। नहीं नहीं अबू, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, बगैर नाश्ता किए जाओगे तुम? जाओ तुम नाश्ता बनवाओ। कहा तो है इट्स ओके। फोन बन जा रहा है दोनों का। ताई, हो सकता है बैटरी खत्म हो गई हो। तुम मेरी बातों पर ध्यान ना दे, नाश्ता बना। मॉर्निंग। आए नहीं अभी तक? नहीं, फोन बंद है। वैसे अम्मा मुझे लगता है कि वलीमे का खर्चा बच जाएगा हमारा। कैसे बता? बड़े मियां मर गए तो? वैसे अम्मा अगर बड़े मियाँ सच में मर गए तो हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होना, मेरी बात हुई थी फलिया से, वो अपने अब्बू को घर ले गए हैं, अब वो ठीक है।
अगर ठीक है तो फिर तेरे भाई और भाभी घर क्यों नहीं आए? चलते हैं। ठीक है बेटा, खैर से जो। फरीशा, अपने फोन से गाड़ी मंगवा लेती हो? मेरा फोन ऑफ है। वो मेरे मोबाइल की भी बैटरी एंड थी, वो मैंने अपने कमरे में चार्जिंग पे लगाया। लिहा ले आती हूँ और मेरा बैग भी ले आना। तुम गाड़ी क्यों मंगवा रहे हो? वो है एक्चुअली अबू, कल रात को मेरी गाड़ी खराब हो गई थी तो इसलिए। रात ही बहुत भारी, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। जो तुम लोग ड्राइवर के साथ चले जाओ, वो तुम्हें छोड़ आएगा। थैंक यू अबू। थैंक्स क्यों भाई, ये सब कुछ तुम लोगों का ही तो है। देंगे तो हमारा हो ना, ऐसे कहने से थोड़ा होता है। परीक्षा बेटा, ये ज्वेलरी पहन के जाओ, ऐसे अच्छा नहीं लगता। क्यों अबू, घर ही तो जा रही हूँ मैं। नहीं भाई, अबू ठीक कह रहे हैं, नई नवेली दुल्हन हो तो अगर ज्वेलरी नहीं पहनूंगी तो अच्छी नहीं लगूंगी क्या? बेटा इसका ये मतलब नहीं है, इस तरह अच्छा नहीं लगता। लो इसे पहन लो, दुल्हन का सिंगार होता है जेवर। अच्छा वो पहन लेती। पहनूंगी। साले ज्यादा सोना भूले गए और हमारे हिस्से में। आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक, अल्लाह हाफिज। हाँ मीना। जी अम्मा। जरा फलीहा को फोन करके पता कर, तेरा भाई और भाभी वहीं हैं या कहीं और निकल गए। अच्छा किसका फोन है बेटा? अब परीशा की छोटी नंद मीना का। आओ, परेशान हो रहे होंगे ना, बता दो उनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो भाई और भाभी आए नहीं अभी तक, अम्मा परेशान हो रही हैं। हाँ हाँ, वो दोनों अभी निकले हैं बस। ओके, अंकल ठीक है ना? हाँ अल्लाह का करम है। मेरी बात करवाओ उनसे। ये अम्मा बात करना चाह रही हैं अंकल से। अब्बू, वो आंटी आपसे बात करना चाह रही हैं। हाँ हेलो। यस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, सारी रात परेशानी में आपके लिए दुआ करती रही हूँ। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है, अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दी है। बस अल्लाह से यही मांगा है कि अगर हमारा रिश्ता जोड़ा है तो खुशियों को सलामत रखना। अल्लाह ने कबूल कर लिया ना आपकी दुआ। अपना ख्याल रखा करें भाई साहब, मेरी खुशियों की सारी उम्मीदें अब आपसे जुड़ गई हैं। मेरा कोई भाई नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसा ना कहें, मैं हूं ना आपका भाई। अल्लाह सलामत रखे आपको, अब आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मा, मैं भी कभी सोचती थी मुझे मॉडलिंग का शौक क्यों है, आज देखा है क्या एक्टिंग करती हैं आप। लेकिन ये भाई बहन का रिश्ता बहुत नाजुक होता है अम्मा, भले मुंह बोला ही क्यों ना हो। रिश्ते तो सभी नाजुक होते हैं,
उन्हें निभाने के लिए कोई कुर्बानी देता है और कोई कुर्बानी लेता है, मगर मैं रिश्तों से कुर्बानी लेती हूं, कुर्बानी देती नहीं। ये रात को तो ज्वेलरी कोई और थी और अब हो सकता है उधार में ली। सजी सवरी दुल्हन अब उजड़ कर कहां से आ गई? वो रूप, वो सिंघार, वो ज्वेलरी कहां गया सब? वो रात को दो लुटेरों ने लूट लिया था। तो शुक्र है फरीशा, मैंने तो कहा था ज्वेलरी उतार के जाओ, लेकिन मेरी तो एक सुनी नहीं ना। तो क्या आंटी, आप इस बात का शुक्र अदा नहीं करिए कि आपकी बहू सही सलामत घर आ गई है? नुकसान तो हुआ है ना। आप लोगों को नुकसान की पड़ी? किसी ने भी एक बार नहीं पूछा कि मेरे अब्बू की तबीयत तो ठीक है ना? वो तो हमें पता चल गया कि वो अब ठीक है, लेकिन तुम्हारी लापरवाही की वजह से जो इतना नुकसान हो गया है, पता है तुम्हें कितना महंगा है सोना आजकल? आप लोगों ने नहीं पहनाया था, मेरे अबू ने पहनाया था मुझे। एक मिनट, तुम भूल गई हो, एक खानदानी अंगूठी मेरी माँ की भी तुम्हारे हाथ में थी। ये रही वो आपकी खानदानी अंगूठी। देख रही हैं आप? बस करो बेटा, सारी रात तो जागती रही, जाओ आराम करो जाके। कोई बात नहीं अबू, आप आराम करें, मैं आपके पास हूँ। अरे बेटा खुश नहीं होता मुझे, अल्लाह को भी पता है कि मेरे बंदे ने दो बेटियों का फर्ज निभाना है, एक का तो निभा दिया, अब दूसरा बाकी। अब्बू वैसे भी मुझे बैंक वाले से मिलने जाना है। आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आज आप पूरा दिन आराम करेंगे। देखो हमारी लेबर भी परेशान होगी, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है ना वो हमारी फैक्ट्री तो है। कोई बात नहीं, मैं असलम अंकल को कॉल कर लूंगी, वो सबको बता देंगे। लेकिन बेटा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, और अगर आपने ज्यादा जिद की तो मैं फरीशा को बुला लूंगी। खबरदार अगर फरीशा को कुछ बताया, बेटा उसे अपने घर की जिम्मेदारियां निभाने दो, संभाल लेगी वो। आप ना ये मेडिसिन ले और सो जाए। कमाल है वैसे आपके घर वाले, सबको ज्वेलरी की पड़ी, किसी ने भी मुझसे एक बार नहीं पूछा कि अचानक से मेरे अब्बू को हुआ क्या, और तो और किसी ने इस बात का भी शुक्र अदा नहीं किया कि बहू सही सलामत घर आ गई। ये रिश्ते हैं जिन्हें निभाने के लिए हम एक हुए?
देखो उन्हें भी फिक्र थी, सारी रात जागते रहे सब इसी परेशानी में। जानती हूँ, कल जब मैं जा रही थी तब भी आवाज देकर उन्होंने जेवर का ही कहा था। अगर उन्हें बनाकर दिया था वो तो मुझे जान से मार देते। और आप अभी तो कुछ नहीं बोले। क्या बोलूं? अभी तो सुन रहा हूं जो तुमने कहा, तुम्हारे घर वाले सुन लिया मैंने, मगर क्या मैंने कहा तुम्हारे अब्बू, अपना अब्बू कहकर बुलाया उन्हें, सुना था ना तुमने? वकालत कर रही हो, बात से बात निकालकर बात करती हो, मगर रिश्तों को रिश्तों से मत निकालो प्लीज। ये जैसे भी है मेरे नहीं, हमारे घर वाले हैं। सॉरी, मैं क्या करूं? जब भी कोई बात या काम मुझे गलत नजर आता है मुझे बर्दाश्त नहीं होता। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। मैं चेंज करूं, वो मेरे सूटकेस में से मेरे कपड़े ला देते। प्रेस भी कर दूं? आप भी ना प्लीज, बस ला दें। हमारा खानदान वो खानदान है जो गर्मी को नरमी में बदल देता है और फिर गुलामी में। सुना था तुम्हारा जवाब, मगर वो अधूरा था। ना मोहब्बत पूरी होती है, ना मोहब्बत पर उठने वाले सवार। जब कुछ भी पूरा नहीं हो रहा तो अधूरे जवाब का शिकवा क्यों? इस लड़की का बोलना मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा। आज तक हम अपनी माँ के सामने इस तरह नहीं बोले। बेटा तो ये मेरी तरबियत थी ना। टेस्ट रिपोर्ट नहीं आई अभी तक? 3 बजे मिलनी है, मैं फिर भी पता करती हूँ सर। क्या हुआ था ऐसा जो ये कदम उठाना पड़ा? क्या हो सकता है? धोखा, बेवफाई? ऐसा ही सवाल उस दुल्हन ने भी मुझसे किया था। सुना था तुम्हारा जवाब, मगर वो अधूरा था। ना मोहब्बत पूरी होती है, ना मोहब्बत पर उठने वाले सवार। जब कुछ भी पूरा नहीं हो रहा तो अधूरे जवाब का शिकवा क्यों? शिकवा नहीं था, बस इस अधूरेपन की कहानी को अपनी कहानी से मिलाने की कोशिश में सवाल कर देता हूं। यही जिंदगी है बस। जो मोहब्बत में मर जाए वो जिंदा ही कब होते हैं? सब कहते हैं मोहब्बत में तो जिंदगी है। झूठ कहा है किसी ने, सच तो ये है ये जिसे होती है उसे डुबोती है, दुख देती है बहुत। सही कहा तुमने, सुख रहने नहीं देती। लगता है तुम्हें भी बेवफाई मिली है मोहब्बत में। नहीं, बस मोहब्बत नहीं मिली। क्या मतलब? उसे पता ही नहीं था कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं। ओह,
वन साइडेड लव स्टोरी। बुजदली आड़े आ गई, इजहार नहीं कर सके। यूं ही समझ लो। फिर वो बेवफा तो ना हुई, मगर मेरी कहानी में बेवफा वही है जो मेरे साथ वफा की कस्में खाता था। एक बात हमेशा याद रखना, जो मोहब्बत में सर झुकाते हैं उन्हीं के तो सर काटे जाते हैं। रहमत जी, इस लड़की का बोलना मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा। आज तक हम अपनी माँ के सामने इस तरह नहीं बोले। बेटा तो ये मेरी तरबियत थी ना? हाँ ये तो है, अब उनकी तो माँ नहीं है इसलिए उन्हें क्या पता कि माँ का अदब क्या होता है। पढ़ी लिखी है, वकालत कर रही है वो, लेकिन अदब नाम की कोई चीज नहीं है उसके अंदर। इस घर को अदालत समझकर हमें कटहरे में खड़ा कर लिया उसने। पहले दिन का लिहाज ना होता ना तो चुटिया से पकड़कर घसीटती उसे। और अगर उसने उल्टा तुम्हारे बाल पकड़ लिए तो? रहमत, उस लड़की के बाप से मेरी बात करवाओ। अभी आज ही तो वो हॉस्पिटल से आया है, ये शिकवे शिकायतें करते कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरी मानो तो दो चार दिन बाद बात कर लेना। नहीं रहमत, हद बंदी की इब्तदा आज ही होगी, वरना उस लड़की के बड़े हुए हौसलों का सैलाब हमारे सपनों को बहा के ले जाएगा। क्या लिखा है रिपोर्ट में? धोखा। बड़ी सच्ची रिपोर्ट आती है ब्लड टेस्ट की। काश हम मोहब्बत करने से पहले खून का टेस्ट करवा लिया करें। मैंने सही कहा था ना, टिकटॉकर्स अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए क्या क्या हरकतें करते हो। फिर गलत कह रहे हो तुम। रिपोर्ट मेरे सामने है जो बता रही है कि तुमने कोई जहर नहीं पिया। जो जहर मैंने पिया है उसका रिजल्ट रिपोर्ट ने बताया ही नहीं, बताएगी भी कैसे? इसे क्या बताओ, मोहब्बत में ठोकर खाने वालों को किसी और जहर की जरूरत ही नहीं होती। फोन नहीं उठा रहा। नंबर तो ठीक मिला रहे हो ना तुम? हाँ नंबर तो वही मिलाया है जिस पे बात होती रही है। तो फिर फोन क्यों नहीं उठा रहे? मीना। जी अम्मा। तेरे पास फलीहा का नंबर है ना, उससे बात कर। ताई। वो ऐसे ही एक बात दिमाग में आई थी। बको। वो बात को बिगाड़े ना, बाद में आराम से बात कर लेंगे। क्यों ताया जी? हाँ ठीक ही तो कह रहा है, यही तो मैं भी कह रहा था। नंबर मिल गया अम्मा। कॉल मिला और मेरी बात करवा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी अम्मा से बात करो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। कहाँ हैं तुम्हारे अब्बा, फोन नहीं उठा रहे? आपको तो पता है आंटी, रात को उनकी तबीयत खराब हो गई थी, अभी मेडिसिन खा के सो रहे हैं। वो सो रहे हैं, हमारी नींदें हराम हो गई है। क्या
क्या हुआ आंटी? हो जाना था अगर मैं बोल पड़ती तो। एक तमाशा लगना था शादी के पहले दिन ही मेरे घर में, लेकिन मैं उसे बेटी बना के लाई हूँ इसलिए चुप रही, वरना चुटिया से पकड़ कर ना आज घर से बाहर निकाल देती मैं। नहीं आंटी, आप फिक्र मत करें, मैं फरीशा से बात करूंगी। अपने अब्बा को भी बताना कि वो भी समझाएं उसे। आंटी आंटी प्लीज, आप अब्बू से कोई बात मत कीजिएगा, मैं खुद बात करूंगी फरीशा से, वो कुछ नहीं करेगी आइंदा ऐसा। अगर आइंदा उसने ऐसा कुछ किया ना तो मेरा फोन नहीं आएगा, वो खुद वापस आएगी अपने मेके। हुआ, किसका मैसेज आया? वो दोस्त का, उसे हॉस्पिटल ने डिस्चार्ज कर दिया, तो मुझसे कह रहे हैं मैं उसे घर छोड़ दूँ। हाँ तो छोड़ा है। लेकिन कोई बात नहीं, आजकल अच्छे दोस्त कहाँ मिलते हैं, उसको जरूरत है उसे छोड़ें। ओके अगर अब्बू को बताया तो उनकी तबीयत कहीं ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, और फरीशा से बात की तो कहीं वो उनसे झगड़ने ना लग जाए। क्या करूँ मैं, पहले ही दिन इतने झगड़े शुरू हो गए हैं, पता नहीं आगे क्या बनेगा। अब्बा अब्बा अब्बा, गाड़ी ठीक होगी? हाँ बेटा ठीक हो गई है, वो चाबी रखी है ले लो। कहीं जा रहे हो क्या भाई? हाँ हॉस्पिटल। क्या मतलब, फिर से कोई खबर आई है क्या? अरे बेटा कोई सीरियस मसला है तो मुझे बता दो, मैं वलीमे का खाना कैंसिल करवा देता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है अब्बा, एक दोस्त को पिक करके हॉस्पिटल से घर छोड़ना है बस। ऐसा कौन सा दोस्त है भाई जिसकी इतनी फिक्र हो रही है, हैं? है एक। भाई वलीमे के टाइम से पहले आ जाना। आ जाऊंगा। मुझे तो गड़बड़ लग रही है ताई। अपनी आंख खोल के रख, नहीं तो दूसरी भी बंद कर दूंगी हमेशा के लिए। मैं तो तेरी तो की तो चल जा, काम कर, समझा के रख इसे तू। ये बात आप मुझे नहीं अब्बा को समझाती, मेरी शादी से पहले। कमजोरी बहुत ज्यादा है बुशरा, मेरी मानो तो इसे ताकत के टीके लगवा ही लो, वरना मुश्किल हो जाएगा दोनों का बचना। कौन सा जिंदा हूँ? अरे कैसी मनहूस बातें कर रही है ये? बताएं अम्मी ने, जिंदा हूँ मैं। बुशरा बहन, इसको बोलो अपनी सड़ियल तबीयत ठीक करे, वरना इसका भी असर पड़ता है बच्चे की सेहत पर। तो बात मैं चलती हूँ। क्या कहूँ तुम्हें, खुद को तो अजाब में डाला ही, साथ में मेरी भी जिंदगी अजाब कर दी है। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी तो माँ भी मुझसे तंग है।
रेहा, अब्बू की तबीयत कैसी है? मेडिसिन दी उन्हें? हाँ, अब्बू की तबीयत तो बेहतर है, मेडिसिन दे दी थी, सो गए हैं। तो तुम भी सो जाती? हाँ, मैं भी सोई थी, पर क्या? पहले वादा करो कि तुम गुस्सा नहीं होगी और ना ही लड़ोगी। मैं कोई पागल जो बिला बजा लड़ूंगी? तुम्हारा पता भी नहीं है ना। अच्छा बताओ क्या हुआ, पहले वादा करो। अच्छा भाई, वादा करती हूँ कि मैं नहीं लड़ूंगी, अब बताओ कि क्या हुआ। तुम्हारी सास का फोन आया था। मेरी शिकायत लगा रही होंगी? तुम परेशान मत हो, मैं हैंडल कर लूंगी, दोबारा वहां कॉल नहीं आएगी। नहीं नहीं, तुमने वादा किया है कि तुम लड़ोगी नहीं। हाँ तो मैं नहीं लड़ूंगी। अच्छा मुझे ये बताओ, वलीमे के लिए तुम पार्लर जा रही हो या फिर घर पर ही तैयार होगी? चाहे आ जाए फिर पार्लर ही जाऊंगी। वो कहाँ गए अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर? वो हॉस्पिटल से अपने दोस्त को घर छोड़ने के लिए गए। एतबार में मारी ना जाना बहन, ख्याल रखना। अब क्या करूँ, शुरू शुरू में तो एतबार करना ही पड़ेगा ना, इब्तदा में ही कहीं इंतहा ना हो जाए। अच्छा चलो फोन बंद करो, मैं कुछ चीजें समेट लूँ सैलून जाने के लिए, फिर पता नहीं शाही कब आ जाए। ठीक है रिया, मैं चलता हूँ, घर पर सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। इंतजार तो तुम्हारा मैं भी करती हूँ ना। देखो रिया, तुमने मुझे यहाँ तक छोड़ने का कहा था, वो मैंने कर दिया। ऐसे मेरा एक उधार चुकाना है तुमने। कौन सा उधार? भूल गई ना भाभी, इसीलिए मैं उधार नहीं करती। लो वकील का फोन आ गया। जी राणा साहब। राणा साहब, मैंने असलम को अथॉरिटी लेटर दे दिया है, और अगर कोई मसला हो तो फिर आप मुझे बता देना, मैं आ जाऊँ। ठीक है? माशाल्लाह, वैसे कितना अच्छा लग रहा है रानी पर। अरे भाभी, अपनी नंद को माशाल्लाह नहीं कहोगी क्या? मैंने तुम्हें कहा भी था कि ये मेरी मामा की निशानी, तुम फिर भी ना रुकी।